गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं एक नया चीज इस्तेमाल करने जा रही हूँ, तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो वो है मामा अर्थ का हेना, जो रेडीमेड मिलता है, तो मैंने खरीदा है। तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। मैंने पहले क्या होता, पैकेट में लाओ, घोल के रख दो, बहुत देर रखने के बाद आधा एक घंटा फिर सर पे लगाना पड़ता है। इसको क्या है, आप अपना ऐसे लेके कटोरी में निकाल के लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, कैसा बेनिफिट है बाद में आपको शेयर करूँगी। तो चलिए निकाल के दिखाती हूँ कैसा है। तो आज का वीडियो यहीं से शुरू कर रही हूँ, दिख रहा है? देखिए इस तरह कोलगेट की तरह निकलता है, देखिए इस तरह से निकला। ये देखिए ढक्कन लगा दो इसका। ये लोग सब बैठे हैं चारों पास में घेर के, मुझे मेरे बच्चे लोग सब घेर के बैठे हैं कि क्या निकल रहा है। और इस तरह से हमने फेंट दिया, अब इसको सर पे लगाएंगे ऐसे ऐसे करके। तो आज मैंने नहा के पूजा कर दिया, करने के बाद ही लगा रही हूँ। देखिए गिर गया। नहा के पूजा करने के बाद सोचा हेना तो लगाना ही पड़ेगा, फिर नहीं तो होता नहीं है, टाइम मिलता ही नहीं है। तो अभी खाना पकाऊंगी, उससे पहले सोचा हेना को लगा लेती हूँ। तो चलिए लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस देखिए मैंने मेहंदी लगा दिया और अभी किचन में आ गए खाना पकाने। अब ये एक दो घंटा रख देंगे इसको, तो सूख जाएगा। सूखने के बाद सर धो लेंगे, आज पानी से ही धोएंगे, शैम्पू नहीं लगाएंगे। तो चलिए किचन में आई हूँ, खाना पका लेते हैं, फिर मिलती हूँ। इस तरह से लगाया मैंने और सिंदूर है, अभी सिंदूर के ऊपर कुछ नहीं किया क्योंकि नहा के लगाया था। तो चलिए मेहंदी लगा लिया, खाना पका लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस लंच में मैंने पकाया, आप लोग को दिखा देती हूँ। चिचिंगा भुजिया और लौकी देके चने का दाल और इधर आलू का पकौड़ी और भात, यही है आज का लंच। और देखिए किचन पूरा मैंने साफ कर दिया खाना पकाने के बाद। और बाहर बहुत ज़ोरों से हवा चल रहा था, अच्छा मौसम हो चुका था, तो देखिए किचन पूरा साफ। तो गाइस मैंने नहा लिया, देखिए नहा लिया था, वही सर धो लिया। देखिए नाइटी को चेंज कर दिया क्योंकि गिर गया था ना, मैंने पानी भीग गया था, तो इसीलिए मैंने चेंज कर दिया। तो देखिए अभी भीगा हुआ बाल तो सूख जाएगा, अच्छा हो गया, बहुत अच्छा लगा, सिल्की सिल्की हो गया है इसको लगा के। सब माने ड्राई जो था ना, वो पूरा मुलायम हो गया है, हेयर सॉफ्ट। नालिया बने, आप खा लेती हूँ, उसके बाद सीधा शाम को मिलूँगी आप सबसे। खा के अभी रेस्ट करूँगी, सोऊँगी। मशीन में कपड़े देना है मेरे को, आज धोना है। चादर फादर चेंज करूँगी शाम को, उठा के रख दिया, बिछाया नहीं क्योंकि सारा दिन बच्चे लोग घूमेगा, मैं ऐसे ही घूम ले फिर बिछा दूँगी। तो आज शाम को चादर फादर चेंज करूँ, फिर अभी थोड़ा खा के रेस्ट कर लेते हैं। खाना वाना पकाया, बहुत काम किया, तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद आप सबसे मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट थोड़ी देर बाद। तो गाइस सीधा शाम को मिल रही हूँ, चादर बिछा रही हूँ। मैं बोला था आप लोगों को शाम को ही चादर बिछाती हूँ, बच्चे लोग मस्ती मार लेते हैं उसके बाद। तो यहाँ चादर बिछा दिया, उस तरफ कपड़ा खिड़कियों में मैंने धूप लगाने दिया था वो सब रख लिया देखिए। और इस तरफ बैठ के बच्चे लोग अड्डे मार रहे हैं। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे गए थे, तो नीचे हम लोग का देखिए फूल का गाछ लगा हुआ है। दीपिका घूम घूम के देख रही थी, तो वही थोड़ा सा शूट किया। देखिए इतना बड़ा बड़ा, डेली बहुत सारे जवा फूल होता है, तो देखिए कितना बड़े बड़े जवा फूल का पेड़ हो चुका है। पीछे पूरा जंगल हो गया फूल की गाछ से। उसके बाद शाम को घूम के आने के बाद मैंने चाय बना रहा है, ये पूरा 6 बजे। तो यहाँ चाय बना रही हूँ, बिना चीनी का चाय बन गया मेरा, अब पी लेंगे। उसके बाद सीधा मैं आ गई किचन में फिर रोटी बनाने, तो रोटी बना ले रही हूँ, झटपट रोटी बन जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कैमरा में कुछ परेशानी हो रहा था, लाइट मार रहा था बहुत सारे। और यहाँ पे बच्चे लोग अड्डा मार रहे हैं, तो वो थोड़ा सा शूट किया। मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और हम लोग मिल के मस्ती मार रहे थे, मैं कैमरा कर रही थी तो इसलिए देख नहीं पाएंगे। तो वीडियो में आज यही थोड़ा सा शूट किया। अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा प्लीज़ सब्सक्राइब।